भगवान श्री राम के अलावा माता सीता और लवकुश का संबंध भी छत्तीसगढ़ से था। घने जंगलों के बीच स्थित तुरतुरिया में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। यहाँ के पहाड़ा वाली माता के संबंध में मान्यता है कि संतान की कामना करने वाले लोगों की मन्नतें जरूर पूरी होती हैं और एक वर्ष के अंदर ही माता अवश्य गोदी भर देती है। इस वर्ष यहाँ पर 1500 ज्योति कलश प्रज्वलित हुए हैं। रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के कस्टोल विकासखंड मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर सिरपुर मार्ग पर ग्राम ठाकुर दिया है। तुरतुरिया छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पर ऊंची पहाड़ी पर मां का मंदिर है। इस स्थान को भगवान श्री राम के पुत्र लवकुश की जन्म स्थली भी कहा जाता है। बताया जाता है कि मां सीता ने यहाँ पर काफी समय बिताया था। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी बना है। ये भी कहा जाता है कि यहीं पर महर्षि वाल्मीकि ने महाकाव्य रामायण की रचना की, इसलिए ये स्थान धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि का आश्रम उसके नीचे से 12 महीने तक प्राकृतिक जलधारा बहती है। इसे गौमुखी धारा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में तुरतुर की ध्वनि के साथ बहते पानी के कारण इस क्षेत्र का नाम तुरतुरिया पड़ा। इसका जल प्रवाह एक लंबी सकरी सुरंग से होता हुआ आगे जाकर एक कुंड में गिरता है। जिस स्थान पर कुंड में ये जल गिरता है वहाँ पर गाय का मुख बना है। इस वजह से जल उसके मुख से गिरता हुआ दिखाई देता है। इस स्थान पर काफी संख्या में शिवलिंग, बौद्ध प्रतिमाएं और विष्णु जी की प्रतिमाओं के अवशेष मिले हैं। इसे ये माना गया है कि यहाँ पर शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्म की मिली जुली संस्कृति रही होगी। यहाँ पौष महीने में 3 दिवसीय मेला लगता है। इस मेले में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। कांग्रेस सरकार ने तुरतुरिया क्षेत्र को राम वन गमन पथ में शामिल किया था। इस वजह से अब इस क्षेत्र का कायाकल्प होने लगा है। यहाँ पर पर्यटकों की सुविधा के लिए आकर्षक गार्डन, रेस्ट हाउस और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई।